5 सितंबर से शुरू हो रही दिलीप ट्रॉफी के आगाज से पहले ही तीन बड़े खिलाड़ी इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा दिलीप ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे। दोनों इंडिया बी टीम का हिस्सा थे। खबरों के मुताबिक मोहम्मद सिराज बीमार हैं और उनका दिलीप ट्रॉफी के मैच तक फिट होना मुश्किल है। रविंद्र जडेजा के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। दूसरी ओर इंडिया सी की टीम में शामिल हुए तेज गेंदबाज उमरान मलिक भी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं खेल पाएंगे। उमरान मलिक की जगह इंडिया सी में गौरव यादव को मौका मिला है। वहीं इंडिया बी में मोहम्मद सिराज की जगह नवदीप सैनी शामिल किए गए हैं। अब नवदीप सैनी ने भारतीय टीम के लिए अपना आखिरी जो मैच था वो खेला था साल 2021 में, तब से ही वो टीम से बाहर हैं। अब वो दिलीप ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे ताकि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में कम से कम उनका चयन हो सके। उन्होंने अभी तक भारतीय टीम के लिए कुल 2 ही टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें 4 विकेट उन्होंने अपने नाम किए हैं। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 8 वनडे मैचों में 6 विकेट और 11 टी20 मैचों में कुल 13 विकेट अपने नाम किए हैं। दिलीप ट्रॉफी का आगाज 5 सितंबर से अनंतपुर, आंध्र प्रदेश और बेंगलुरु में होगा। दिलीप ट्रॉफी में इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी का मुकाबला होगा। इंडिया बी टीम जिसमें बदलाव हुआ है, अगर उस पर अब एक नजर डाली जाए तो उसके कैप्टन है अभिमन्यु ईश्वरन। यशस्वी जायसवाल इस टीम का हिस्सा है। इसके अलावा सरफराज खान, ऋषभ पंत, मुशीर खान, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी, यश दयाल, मुकेश कुमार, राहुल चाहर आर साई किशोर, मोहित अवस्थी, एन जगदीशन। और इसके अलावा अगर इंडिया सी टीम को देखा जाए जिसमें एक बदलाव हुआ है तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है, साई सुदर्शन है, रजत पाटीदार, अभिषेक पोरेल, सूर्य कुमार यादव, बी इंद्रजीत, ऋतिक शौकीन, मानव सुथार, गौरव यादव, विशाख विजय कुमार, अंशुल कम्बोड, हिमांशु चौहान, मयंक मार्कंडे, आर एन ज्वाल और संदीप वॉरियर।